लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त निशांत आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो और नए लैपटॉप के साथ। आज हम लेके आए हैं एचपी की पवेलियन प्लस सीरीज। हमारे कई व्यूअर्स की डिमांड थी पवेलियन प्लस को रिव्यू करने के लिए, तो मैं आपको बताऊं पवेलियन प्लस में अभी चार मॉडल्स मार्केट में अवेलेबल है। एक है ES0021TU, ES0025TU, ES0037TU और एक आता है ES0024TU। इसमें जो हमारे पहले तीन मॉडल थे 00, 21, 25 और 37, तीनों की स्पेसिफिकेशन सेम है। तीनों ही i5 12 जनरेशन आता है एच प्रोसेसर के साथ, 16 GB रैम है और 512 GB SSD है। सिर्फ इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे जो ES0021 और 25 है दोनों की स्पेसिफिकेशन बिल्कुल सेम है, सिर्फ कलर का फर्क है। जो ES0021 है वो नेचुरल सिल्वर के साथ आता है और ES0025 ये वार्म गोल्ड के साथ आता है। और ES0037 सेम स्पेसिफिकेशन है, सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन का डिफरेंस है। जो 21 और 25 में फुल HD डिस्प्ले है, लेकिन जो 37 में मिलता है वो आपको ओलिड डिस्प्ले के साथ आता है। और जो फोर्थ मॉडल है 24 वो 37 के ही इक्वल है। सिर्फ और सिर्फ जो दो डिफरेंस है, एक प्रोसेसर का i7 हो जाता है और SSD 512 GB की जगह 1 TB हो जाती है। तो दोस्तों ये है आज के हमारे लैपटॉप। हम चार मॉडल में से दो शॉर्टलिस्ट करके लेके आए हैं, एक ES0021TU और एक है ES0024TU। 24TU की स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है ES0037 में, तो हम दोनों में से एक लैपटॉप लिया है। और ES0021 और 25 की स्पेसिफिकेशन बिल्कुल सेम है, सिर्फ कलर का डिफरेंस है वार्म गोल्ड और नेचुरल सिल्वर में से, तो उसमें से एक लिया है। आज हम एक लैपटॉप को अनबॉक्स करेंगे, उसके रिव्यू करेंगे, आपको चारों ही मॉडल क्लियर हो जाएंगे एक लैपटॉप को अनबॉक्स करने के साथ। तो चलिए दोस्तों आज हम अनबॉक्स करते हैं ES0021TU जो i5 12 जनरेशन के साथ आता है। 16 GB रैम है, 512 GB SSD है, फुल HD की स्क्रीन है जो नेचुरल सिल्वर कलर में आता है। आज हम इसको अनबॉक्स करेंगे और इसका रिव्यू करेंगे। और कहीं मत जाइएगा, वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा, हम इसको फिजिकली ओपन करके भी आपको दिखाएंगे। इसके पार्ट्स कहां कहां कौन कौन से क्या क्या लगे हुए हैं हम आपको सब दिखाएंगे। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आगे हम जो भी वीडियोस अपलोड करेंगे नई उनके सबके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और करते हैं लैपटॉप की अनबॉक्सिंग। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज ES0021TU की अनबॉक्सिंग। दोस्तों लैपटॉप ओपन हो गया है, सबसे पहले हम दिखाते हैं कि बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है। सबसे पहले एज यूजुअल स्टार्ट करते हैं पावर कोड से। प्रीमियम पावर कोड आपको इसमें मिलती है, 90 वॉट का अडेप्टर है इसमें, टाइप सी अडेप्टर है। मैं आपको खोल के दिखाता हूं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा टाइप सी अडेप्टर है इसमें और 90 वॉट का। मोस्टली लैपटॉप में 65 वॉट के अडेप्टर आते हैं, इसमें 90 वॉट का है। मैनुअल टाइम मिले तो जरूर पढ़िएगा। और ये फाइनली ये है हमारा लैपटॉप। इसकी अगर मैं फिनिशिंग की बात करूं तो फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया है, मेटल फिनिश में आता है। अगर हम बात करेंगे इसके तीनों पैनल, लोअर पैनल, ऊपर का, फ्रंट का, तीनों पैनल इसमें आपके मेटल फिनिश मेटल में मिलते हैं आपको। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं लैपटॉप के बाहर से ओवरव्यू इसका क्या है। अगर मैं आपको बताऊं ये पूरा लैपटॉप जिसमें हमारे तीन पार्ट्स होते हैं, मैं आपको ये भी बताऊं हम इसको ए पार्ट कहते हैं, बी पार्ट लोअर और सी पार्ट आपका जो फ्रंट का होता है। इसमें ए बी सी तीनों ही जो पार्ट्स हैं वो मेटल के अंदर आते हैं। आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि कई लोगों को फाइबर के होता है कि फाइबर है, ये मेटल बॉडी में एचपी ने दिया है, फिंगरप्रिंट रीडर के साथ दिया है। अगर आप इसकी फिनिशिंग स्लीकनेस की बात करेंगे तो बहुत ही स्लीक लैपटॉप है। अगर आप बैक साइड देखेंगे वेंट दे रखा है, दो रबर दे रखी है। दोस्तों इसको देखते हैं, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि एक हाथ से ये ओपन होता है या नहीं। अभी हमने एरो सीरीज की थी तो वो एक हाथ से ओपन होता है, वेरी गुड। ये भी आप एक हाथ से ओपन कर सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा लैपटॉप को सेंटर से ही ओपन करिएगा। साइड से ओपन करेंगे तो लैपटॉप के हिंजेस खराब हो जाएंगे। हर लैपटॉप के अंदर सेंटर के अंदर स्पेस दे रखा होता है लैपटॉप को ओपन करने के लिए। दोस्तों देखते हैं लैपटॉप में पोर्ट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखते हैं लैपटॉप के लेफ्ट साइड में कौन से पोर्ट है। सबसे पहला है हमारा यूएसबी, सुपर स्पीड यूएसबी है।
उसके बाद आपको मिलता है HDMI आपको डिस्प्ले और प्रोजेक्टर कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद आपको मिलते हैं दो टाइप सी पोर्ट्स जिससे आप लैपटॉप चार्ज भी कर सकते हैं। राइट साइड में देखते हैं कौन कौन से पोर्ट्स हैं। सबसे पहला दे रखा है 3.5 mm का ऑडियो जैक जिससे आप एक्सटर्नल स्पीकर या हेडफोन माइक आप इससे लगा सकते हैं। एक USB है सुपर स्पीड और माइक्रो SD कार्ड रीडर आपको इसमें मिलता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर की। देखिए हमेशा हम प्रोसेसर की बात ही करते हैं सबसे पहले, क्योंकि मेन CPU ही होता है। मैं आपको बता दूं जो पवेलियन प्लस में भी जो चार मॉडल मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें तीन मॉडल जो 21, 25 और 37 तीनों का प्रोसेसर i5 है जो इसमें भी लगा हुआ है। आप देख रहे हैं 12th जनरेशन कोर i5 12500H। मैं आपको बता दूं इस जो लैपटॉप की एक खासियत है इसकी प्रोसेसर भी है। देखिए एच प्रोसेसर जो आता है मोस्टली वो हमारे गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर आता है, क्योंकि ये ग्राफिक्स के लिए यूज होता है और हाई पावर्ड होता है। इसकी जो मिनिमम पावर एश्योरेंस होती है वो ही आपकी 35 वाट की होती है। जो नॉर्मल हमारे यू प्रोसेसर आते हैं उनकी 12 वाट की होती है, और वो मैक्सिमम जो टर्बो बूस्ट पावर होती है वो 55 वाट तक जाते हैं, और इसमें एच प्रोसेसर 90 वाट तक जाता है। तो इसमें बड़ा फर्क है। थिन और लाइट लैपटॉप्स में मोस्टली एच प्रोसेसर नहीं आते हैं, लेकिन HP ने अपने थिन एंड लाइट लैपटॉप के अंदर एच प्रोसेसर दिया है। देखते हैं इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या है प्रोसेसर की, जिसकी बेस स्पीड है 2.5 GHz। अगर हम टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जो प्रोसेसर आता है हम वो देखते हैं इसकी टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ये कहां तक जाता है। ये 4.5 GHz तक प्रोसेसर आपका चला जाता है जब इसको जरूरत पड़ती है। कोर की बात करेंगे 12 कोर प्रोसेसर है, 11th और 12th जनरेशन इंटेल में यही बड़ा डिफरेंस रहा था। जो पहले आ रहा था 11th जनरेशन वो मोस्टली 4 या 6 कोर तक रहता था एच प्रोसेसर भी अगर हम देखें तो, लेकिन इसमें 12 कोर का प्रोसेसर है जिसके अंदर मैं आपको बता दूं 4 परफॉर्मेंस कोर होते हैं और 8 एफिशिएंट कोर होते हैं, जो हमारे यहां पे आप इसे नहीं देख सकते, लेकिन मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं कि 4 परफॉर्मेंस कोर है और 8 एफिशिएंट कोर है, और मैक्सिमम जो क्लॉक स्पीड होती है जो आपका परफॉर्मेंस कोर होती है उनकी ही 4.5 तक होती है। अदरवाइज जो एफिशिएंट कोर होते हैं उनकी 3.3 GHz तक मैक्सिमम जो क्लॉक स्पीड है वो रहती है। और हम लॉजिकल प्रोसेसर की बात करेंगे थ्रेड्स की तो 16 इसमें है और आपको L3 कैश मिलती है 18 MB। तो प्रोसेसर काफी अच्छा है इसके अंदर जो HP ने दिया है, मैं कहूंगा पावरफुल प्रोसेसर मैं इसको कह सकता हूं। अगर हम मेमोरी की बात करेंगे तो 16 GB है, स्पीड 32 MHz है। यहां पे हम बढ़ा सकते थे इसको, लेकिन इसमें मतलब इतनी पावरफुल हम कहेंगे प्रोसेसर के साथ हमारी जो रैम है वो 3200 MHz की ही है। दो स्लॉट्स हैं, दोनों ही यूज हैं, और 16 GB की इसमें रैम लगी हुई है, यानी 8-8 GB की दो रैम है। IRX ऐसी ग्राफिक्स है तो नेचुरल है कि दो रैम में ही आएगा। बात करेंगे हार्ड डिस्क की, इसमें जो हार्ड डिस्क लगी हुई है 512 GB की इसमें आपको हार्ड डिस्क मिलती है, 477 GB की कैपेसिटी आपको इसमें मिलती है। वाईफाई 6E वाईफाई ग्राफिक्स आपका वाईफाई लगा हुआ है 5.2 ब्लूटूथ के साथ। स्पीड की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंटरनेट की अगर आप, लेकिन वाईफाई राउटर होना जरूरी है आपका। ग्राफिक्स इंटेल आईरिस XE ग्राफिक्स है, डेडिकेटेड ग्राफिक्स नहीं है, ग्राफिक्स की अपनी कोई भी मेमोरी नहीं है, शेयर्ड ग्राफिक्स है। आप देखेंगे 7.9 GB आपको शेयर ग्राफिक्स मिलता है इसके अंदर, अपना डेडिकेटेड नहीं है, इंटेल आईरिस XE ग्राफिक्स है इसके अंदर जो आपको मिलता है। दोस्तों बात करते हैं डिस्प्ले की, 14 इंचेस के अंदर जिसका रेजोल्यूशन 2240x1400 होता है, IPS माइक्रो एच एंटी क्लियर डिस्प्ले आपको मिलता है लो ब्लू लाइट में। अगर हम निट्स की बात करेंगे 300 निट्स है और 100% sRGB के साथ आपको इसकी स्क्रीन मिलती है। दोस्तों देखते हैं कैमरा, इसमें HP में ट्रू विजन 5 MP का कैमरा आता है विद टेम्पोरल नॉइस रिडक्शन के साथ, और डुअल एरिक डिजिटल माइक्रोफोन्स में आपको इसका कैमरा मिलता है। तो चलिए दोस्तों समय आ गया है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार होता है लैपटॉप को फिजिकली ओपन करने का, करते हैं लैपटॉप को फिजिकल ओपन। तो दोस्तों लैपटॉप हमारा ओपन हो गया है,
देखते हैं लैपटॉप में क्या क्या है। दोस्तों देखते हैं लैपटॉप में पार्ट्स कहां कहां पे क्या क्या लगे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊं, यहां पे दो फैन है। अगर आप थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं तो आपको लैपटॉप को ओपन करते ही थोड़ा सा अजीब सा फील हुआ होगा कि इसमें दो फैन क्यों दे रखे हैं। मैं आपको शुरू में भी बताया था कि इसमें एच प्रोसेसर है जो 90 वाट तक जिसका बूस्टअप होके पावर जाती है, और इसका मिनिमम भी होता है 35 होता है, नॉर्मली 35-45 पे वर्क करता है, वेरी हाई पावर प्रोसेसर होता है। इसीलिए इसमें दो फैन दिए हुए हैं, इसमें ग्राफिक्स नहीं है, उसके बावजूद इसमें दो फैन है। यहां पे आप देखेंगे SSD लगी हुई है जिसको आप अपग्रेड कर सकते हैं यहां से रिमूव करके। यहां पे आपका वाईफाई लगा हुआ है 6E जो हमने आपको दिखाया था। यहां पे ओपन करते हैं, यहां देखिए हमारा प्रोसेसर है जो हीट सिंक से कनेक्टेड है हमारा फैन के साथ, यहां पे प्रोसेसर लगा हुआ है। और यहां हम देखेंगे ये रैम है जो ऑन बोर्ड रैम है। मैं आपको बता दूं, हमने देखा था कि दो स्लॉट थे, आपको यहां पे 8 चिप दिखाई दे रही है। इसमें दो चार चार चिप्स के दो सेट में चेंज हुए हैं, RAM 1 और RAM 2। ऑनबोर्ड रैम है, आप इसको अपग्रेड नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा कि आप इसमें जो ये रैम है वो ऑनबोर्ड रैम है, आप इसको अपग्रेड नहीं कर सकते हो। यहां पे हम देखते हैं हमारी बैटरी है, जितना हमारा बोर्ड है उतना ही उससे थोड़ा सा छोटा हमें बैटरी दिखी लगी हुई है। इसमें 3 सेल की बैटरी है 51 वर्क आवर्स के साथ। अगर हम बात करेंगे जो बैटरी है वो लिथियम पॉलीमर बैटरी है, जो मतलब काफ़ी नॉर्मल से लिथियम से एक्सपेंसिव आती है। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे दोनों जगह हमें स्पीकर्स दिखाई देंगे। चलिए दोस्तों, आज हमने देखा ES0021TU लैपटॉप HP का पवेलियन प्लस, जिसका आज हमने अनबॉक्स किया। मैं आपको बताऊं, मैंने वीडियो के शुरू में बताया था ES0021TU और ES0025TU की दोनों की बिल्कुल सेम स्पेसिफिकेशन है, सिर्फ और सिर्फ कलर का फर्क है। हमारा 21 नेचुरल सिल्वर के साथ है और जो 25 आता है वो वार्म गोल्ड के साथ आता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एक मॉडल और है जो आपका ES0037 है, उसके अंदर जो डिफरेंस आता है वो स्क्रीन का डिस्प्ले, जो हमने भी आपको जब स्क्रीन का हमने बता रहे थे तब हमने बताया, तो उसके अंदर डिस्प्ले ऑलिड है, इसमें फुल HD है, यही बस डिफरेंस आता है आपका। तो बात करते हैं ये किस किस के लिए यूजफुल है। देखिए अगर हम इसकी प्राइसिंग देखें तो प्राइसिंग 80,000 के अप्रॉक्स में ये लैपटॉप आपको मिलता है मार्केट के अंदर। बहुत लाइट वेट है और परफॉर्मेंस इसकी बड़ी हाई है। हमने देखा एच प्रोसेसर लगा हुआ है, आप इसमें एक गेमिंग और ग्राफिक्स के अलावा आप सारे काम इसके अंदर कर सकते हैं। गेमिंग ग्राफिक्स बहुत लाइट वेट कर सकते हैं, बहुत अब मैं कहूंगा कि प्रोफेशनल आप इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के लिए ही डेडिकेटेड ग्राफिक्स की जरूरत होती है और इसके अंदर डेडिकेटेड ग्राफिक्स नहीं है। इनबिल्ट इंटेल आइरिस XE ग्राफिक्स है, आप नहीं कर पाएंगे, बाकी कोई भी ऐसा काम नहीं है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ब्राउजिंग, इंटरनेट, प्रोजेक्ट बेस्ड, ऑनलाइन क्लास, कुछ भी हो आप इसमें सब कर सकते हैं। जिन लोगों को लाइट वेट लैपटॉप की जरूरत होती है उन लोगों के लिए ये एक सफिशियंट लैपटॉप है। एक हमने पहले एरो देखा था, अगर आप एरो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ये पवेलियन सीरीज में आता है, कंप्लीट मेटल ABOC तीनों पार्ट्स मेटल के होते हैं इसके अंदर। HP इसके साथ 1 ईयर की ऑनसाइट वारंटी देता है और टाइम टू टाइम ऑफर्स देता रहता है अपग्रेड करने के लिए, कभी बैक टू कॉलेज ऑफर, कभी बैक टू स्कूल ऑफर, तो ये आपको ऑफर्स मिलती रहेंगी। आप 1 ईयर से 3 ईयर अपग्रेड करा सकते हैं। जब आप HP वर्ल्ड पे लेने जाएंगे आप वहां के सेल्स पर्सन से जरूर पूछिएगा कि वो ऑफर क्या चल रही है, और एक्सीडेंटल डैमेज वारंटी के बारे में भी आप सेल्स पर्सन से पूछ सकते हैं। कुछ HP वर्ल्ड की डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, अगर आप चाहें तो वहां जाके टच एंड फील करके आप लैपटॉप ले सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताइएगा, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में हो इस लैपटॉप के रिगार्डिंग तो हमसे कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं यही कहूंगा आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि जब भी हम नए लैपटॉप की वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। और हम हमेशा कोशिश करेंगे आगे जितने भी नए लैपटॉप्स आ रहे हैं उनको आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाएं और साथ में लैपटॉप को फिजिकली ओपन करके भी दिखाएं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में नए लैपटॉप के साथ। जय हिंद।